अब मैं आराम से बाय बोल लेती है क्योंकि मैं क्या को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। मैंने सोचा व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ, इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट करती हूँ, फिर मैंने पीछे देखा लंच बॉक्स रह गया किया का। लंच बॉक्स रख दे के आना है। शानू दीदी का लंच बॉक्स रह गया। हाँ दीदी क्या खाएंगी अब? हाँ स्कूल गई, हम चले दीदी को देने। देखिए दीदी अभी स्विमिंग के लिए गई होंगी। हाँ एक्साइटेड? हाँ आप तो एक्साइटेड हो गए। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि मेरी कैसे शुरुआत हुई है। बस मैंने ज्योति लगाई थी, आज मेरा थर्सडे का फास्ट है। लेकिन आज ऐसा कंफ्यूजन हो रही थी कि दिवाली कब मनाए, आज भी है कल भी है, तो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि आज भी मनाते हैं छोटी दिवाली, कल भी मनाएंगे बड़ी दिवाली। तो इस तरीके से हम दोनों दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई नहीं, भगवान का नाम दो दिन ले लेंगे। सो हैप्पी 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 दिवाली टू यू ऑल। भगवान आपकी जिंदगी से सारे अंधेरे दूर कर दे और रोशनी कर दे खुशियों की। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जा रही हो। ये शानू है ना, बाज नहीं आ रही है, छोड़ दो, बहुत शैतान होती जा रही है ये, हट जाओ। अब एक बात छेड़ दी है ना कि दीदी को जाके लंच बॉक्स दे के आना है, बस अब इसको और कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन मैं सोचती हूँ क्या रहता है, मेरा झाड़ू पोछा रहता है, बेडशीट चेंज, कि कल मैंने 90% सफाई कर ली है, जो 10% रहती है वो यही है कि आज भी मैं झाड़ू पोछा करूंगी और बेडशीट चेंज करनी है और डेकोरेशंस करनी है। तो डेकोरेशन वाला पार्ट जब किया आ जाएगी तब करूंगी, और उससे पहले, और आज ना मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाने थे, बहुत सारा काम है। बट एनीवेज ब्लड टेस्ट वाला अगर हो पाएगा तो करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। ऊपर से मेरी आईज में बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, पता नहीं क्यों। सब कहते हैं कि गरम नहीं लगाना चाहिए आंखों पे, लेकिन आज तो मैंने ना गरम से हल्का हल्के तवे पे रख के और कपड़ा फिर सिकाई करी है हल्के हल्के गरम से, और तब थोड़ा सा आराम पड़ा है, वरना सुबह तो बहुत ही रेड हो रखी थी। बट कोई नहीं, दिवाली तो हम मना के रहेंगे। तो खाने पीने में क्या है, क्या क्या करने वाले हैं, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो आगे आपको ब्लॉग पे देखते देखते पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। बाय। नहीं कर रहे अभी तो स्टार्ट हुआ है, बोलो हैप्पी दिवाली। तो किया को अभी हम लंच बॉक्स देके आए हैं। क्या हुआ, हम लोग उतरे और किया का शायद ये ग्राउंड टाइम ही चल रहा था, तो किया भागी भागी आई, जैसे मैं गेट खोल रही थी कहने वाला मम्मा मेरे को यहाँ पे ही दे दो। मैंने कहा सॉरी शोना, कहती कोई नहीं मम्मा मैं अभी खा लूंगी। शायद वो वहाँ पे गई है और पहले वो थोड़ा सा अपने लंच बॉक्स खाएगी, क्योंकि इनके ना ट्वाइस होती है लंच ब्रेक, तो एक बार में थोड़ा खाते हैं फिर दूसरी बार में, तो इसका वो जो पहले वाला ब्रेक है ना वो मिस हो गया, तो इस वजह से उसको अलाउ कर रहा है कि आप बैठ के कुछ खा लो, क्योंकि उसकी स्विमिंग, आफ्टर स्विमिंग शायद कुछ खाना होगा इन्हें, तो वही चीज चल रही थी। और शानू हमारे हो गए सुपर एक्साइटेड, दीदी बाय चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, वो चली भी गई है, बाय बाय चिल्ला चिल्ला के बाय बोले जा रही है। दीदी बाय। फिर कहती दीदी जाना नहीं हमारे, शायद इसने देख लिया था उसको आते हुए ना, तो मैंने कहा अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, ऐसे बोल रही है, बस 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 हो गई बाय चले, बहुत सारा काम रहता है। तो किया कि स्कूल से आती मैं लग गई काम पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, बहुत सारा काम है। दिवाली वाले दिन क्या होता है, एक्साइटमेंट तो होती है लेकिन काम भी बहुत होता है, स्पेशली तब जब मैं अकेली ही हूँ, खाना बनाने के लिए, सफाई के लिए, डेकोरेशन के लिए, हर चीज़ के लिए, बच्चों को ड्रेस अप करना, नहलाना धुलाना, पूजा, समझ गए ना आप। तो बस मैंने जल्दी से आज अपनी स्पीड पकड़ी, जल्दी सारा सारा काम कर दिया, झाड़ पोछा के बाद डस्टिंग करी, डस्टिंग के बाद अब मैं शान को नहलाऊंगी और क्या स्कूल से आने के बाद नहाएगी, ताकि लोग हम लोग सब पूजा के लिए जल्दी से रेडी हो जाए। होपफुली आज राहुल भी जल्दी आ जाए, क्योंकि आज इनकी जॉब थी। मैंने बोला ऐसे कुछ ज़रूरी भी नहीं है घर पर रुकना, क्योंकि हम लोग तो सब पूजा वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह सब रात को ही करने वाले हैं, तो इस वजह से छुट्टी उन्होंने ली नहीं और वो शाम को आएंगे, फिर साथ में सब पूजा करेंगे। उससे पहले मुझे अपना 90% काम ख़त्म कर लेना है, ताकि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई के बाद लग गई हूँ खाना बनाने में,
तो आज मैं सबसे पहले क्या बनाने वाली हूँ, बिरयानी बनाने वाली हूँ। सबसे पहले उठते ही ना मैंने जो दाल मखनी थी उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। क्या करती हूँ मैं, 5 मिनट उसको उबालने के बाद सिम पे फिर उसमें सीटियाँ लगाती हूँ, 6 से 7। 6 से 7 जो सीटियाँ होती है वो भी सिम में लगती है। तो फिर जब तक मैंने शावर ले रही थी ना, मैंने ये काम कर लिया था और उस टाइम पर मैंने उसमें खड़े मसाले डाल लिए थे जो, और ये आप आगे वीडियो में देखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिरयानी रख रही हूँ। क्या है आजकल ना राहुल को नया क्रेज़ है, नया क्रेज़ क्या कि मैंने बिरयानी, एक तो प्रॉपर जो है ऑथेंटिक बिरयानी होती है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऑथेंटिक बिरयानी अगर 100% वाले एफर्ट्स होते हैं तो उसमें मैंने 90% वाले एफर्ट्स वाले एक बिरयानी की रेसिपी देखी है। तो वो बहुत अच्छी बिरयानी बनती है और बिल्कुल ऑथेंटिक वाली। तो राहुल को वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा, उन्होंने कहा चलो, 2 दिन से वो बोल रहे थे कि बनाई वो बिरयानी। मैंने कहा नहीं, दिवाली में बनाऊंगी। तो इसलिए आज वो बिरयानी बनने वाली है, आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ बिरयानी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉईल कर लिया है पानी। पानी को बॉईल करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले, 4 इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। और इन सबको बॉईल करने के बाद मैं थोड़े से डालने वाली हूँ इसके अंदर घी। नमक मैं इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं डालूंगी, थोड़ा सा केसर डालूंगी ताकि इन राइस में कलर आ जाए, हल्का सा येलो येलो कलर आ जाए। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी लग गई ये स्पीड में मत जाना, बहुत टाइम लगा। लेकिन जो बिरयानी का मज़ा है ना वो बहुत सारी सब्जियों में ही है, और ये वो सब्जियां जो हम लोग बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। सच बताऊँ तो बच्चे नहीं खाते, लेकिन मैं और राहुल बहुत अच्छे से खुशी खुशी इस बिरयानी को खाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए पनीर की सब्जी और दाल मखनी बनने वाली है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। क्या होता है दिवाली पे ना, जो थाली होती है जैसे करवा चौथ की हो गई, दिवाली की हो गई, जन्माष्टमी हो, इन ओकेशंस पे मैं कोशिश ये करती हूँ कि अच्छा खाना बनाऊँ, लाइक 2-3 आइटम बनाऊँ, 1 मीठा बनाऊँ। वैसे तो आज मैंने मीठा सोचा हुआ था, सब चीज़ों की तैयारी कर भी ली थी, लेकिन मैं इतनी थक गई कि मैं वो मीठा बना नहीं पाई। तो देखना हमने फिर मीठे में क्या खाया। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 बड़ी प्याज डाली है, और इस बड़ी प्याज को जब तक कि ये अच्छे से नहीं भुन जाती है ना, बिल्कुल जो गोल्डन वाली, जो डार्क ब्राउन वाला कलर आ जाता है ना, तब तक मैं इसको अच्छे से रोस्ट होने दूंगी। रोस्ट होने के बाद मैंने इसके अंदर डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर मैंने डाले थे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कस्तूरी लाल मिर्च और हल्दी। इन सबको साथ में मिक्स करने के बाद मैंने मसाले डाले थे। लेकिन उससे पहले जैसे प्याज के बाद ना मैंने ये 2 सब्जियाँ डाल ली थी। जैसे कि आप लोगों को पता है शानू को जब मैं खाना बना रही हूँ या खा रही हूँ तब इसको जरूर पट्टी आती है। आ जाओ, वो पैंट पहन लो, मैं जा रही हूँ फिर। शानू तो आओ फिर जल्दी। तो जैसे मैं शाम से फ्री हुई, यहाँ पे राइस पक चुके थे और ये जो खड़े मसाले थे ये मैंने साइड कर लिए थे क्योंकि मुंह में आते हुए हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। तो यही होता है जब घर में खाना बनता है ना, एक तो पता नहीं मेरी एज बता लो क्या चक्कर है, मुझे आजकल बाहर का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, जेन्युइनली अच्छा लगता है। ऐसा लगता है इससे अच्छा तो मैं घर बना लेती हूँ, वो टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता ना, ऐसा लगता है कि वो हेल्दी भी नहीं लगता, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं लगता। तो आजकल मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में बनाऊँ 99% टाइम्स। अगर 1-2% टाइम ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मैं अकेली हूँ और सब कुछ करने वाली, तो फिर मैं बाहर का ऑर्डर कर लेती हूँ कि इरिटेट होके किसी और पे गुस्सा निकालने से अच्छा है कि कंफर्टेबली जो चीज़ें हो सकती है मैं वो चीज़ें कर लेती हूँ। तो आज मैंने पहले से ही सब चीज़ें प्लान कर रखी थी और मुझे ये था कि हाँ मैं एकदम लास्ट में नहीं बनाना शुरू करूँगी, मैं धीरे धीरे सुबह से ही बनाना शुरू कर दूँगी ताकि रात तक हमारी दिवाली वाली थाली तैयार हो जाए। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ चौक लगाने की। मैं दाल के चौक की तैयारी कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने 2 टमाटर डाले हैं और 2 हरी मिर्च डाली हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल जो दाल मखनी है ना, मुझे तो बहुत इजी, बहुत सिंपल लगती है। इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कस्तूरी लाल मिर्च और हल्दी डाली है। इसको हल्का सा भुनने के बाद वो जो पेस्ट बनाया था अभी हरी मिर्च का और टमाटरों का, वो पेस्ट डाल दिया है। और अब इन बिटवीन मैं करूँगी बर्तन, इसको हल्का सा भुनने दूँगी। और वो जो मैंने बिरयानी रखी हुई है उसको मैंने सिम पे करके रखा हुआ है, तब तक उसकी सब्जियाँ भी अच्छे से पक जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो 2 चम्मच दही है ना, ये मैं बिरयानी में डालती हूँ, और इसके अंदर मैं डालती हूँ 1 चम्मच ये बिरयानी मसाला दही के अंदर। ये मिक्स करने के बाद एक्चुअली क्या होता है, मैं इस स्टेज पे धनिया और पुदीना भी डालती हूँ, लेकिन धनिया था नहीं और पुदीना सिर्फ मैं भूल गई थी जो कि मैंने बाद में ऐड कर लिया था। और इसके अंदर जो बहुत बड़ी गलती मैंने अभी करी
वो पता नहीं कैसे वीडियो बनाते बनाते कैसे माइंड से ऐसे हो गया कि मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। सिर्फ दही को गाढ़ी को ऐसे ही फैट के और डाल देना चाहिए था, पानी नहीं डालना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत टाइम लग गया उसका पानी जलाने में। तो यहाँ पे ये बिरयानी का जो ये मसाला है ना, ये अभी थोड़ी देर में पूरा पानी जल जाएगा और इसके अंदर मैं राइस डाल दूँगी, लेयर कर दूँगी, फिर हम लोग 5 मिनट के लिए ढकते हैं और लास्ट में सर्व कर दूँगी। और यहाँ पे हो गया दाल मखनी का मसाला रेडी, लेकिन ये सारा काम मैं अब आके करूँगी क्योंकि आके स्कूल का टाइम हो गया है, तो मैं इसको ही बंद कर रही हूँ और उसको ही बंद कर रही हूँ, आके करते हैं। और शानू पूरी पूरी कोशिश करिए सब कुछ फैलाने की, चलना है नहीं चलना? Yes. चलो फिर। excited. हाँ एक्साइटेड तो हो, चलो तो सही। आप लोगों ने नोटिस करा कि यहाँ पे हमने ऐसे करके थोड़ी सेटिंग चेंज कर दिया और भी बहुत कुछ करा है, लेकिन आके दिखाती हूँ और डेकोरेशन भी करते हैं फिर। भाई ना हर 3 महीने में सेटिंग चेंज होती है क्योंकि हर 3 महीने में डीप क्लीन करते हैं, यहाँ से वहाँ उठाते हैं, तो सोचते हैं यहाँ से वहाँ उठाए कहीं और रखते हैं, कहीं और रख के देखते हैं, तो बस ये चीज़ चलती रहती है। अब किया है कि किया को बड़ा सरप्राइज लगेगा सब चीज़ें देख के, ओह ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कि हमने बेड की पोजिशन चेंज कर दी, ये सब चीज़ें करी हैं। और किया आएगी तब डेकोरेशन करती हूँ, वरना मेरा मन कर रहा था मैं स्टार्ट कर दूँ, मैंने कहा नहीं किया के साथ करूँ क्योंकि किया बहुत एक्साइटेड है, रंगोली बनाऊँगी वो भी किया के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। और मुझे लगा था शानू सो जाएगी तो मैं ब्लॉग एडिट करके डाल दूंगी, और मैंने ये टाइम ही सोच रखा था क्योंकि सुबह से सो ही नहीं थी, लेकिन नहीं इसने तो आते ही मम्मा स्लाइड मम्मा पार्क, मैंने कहा नहीं पार्क वाला टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ क्या कि स्कूल में ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पे स्लाइड्स होती है, तो मैं इसको यहाँ पर ले आती हूँ। लेकिन ठंड हो रही है, इसको तो किया की जैकेट पहना थी, किया की जैकेट एक्स्ट्रा रखी हुई थी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस मुझे ये है कि कब इसका टाइम हो स्कूल का, कब ये आए, कब हम भाग के वापस से बैठ जाए। शानू केयरफुल रहना, कहाँ ध्यान है आपका? शानू ऊपर देखो, कहाँ देख रहे हो? केयरफुल, खोए हुए हो कहीं और? ये बस ये हाय, इसके मतलब का यहाँ पे यही है। 1 2 3 आर यू रेडी टू सी? करेंगे, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे रंगोली बनाऊँ है ना साइड में, ताकि कोई आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है आप जल्दी से खाना खा लो, फिर हम रंगोली बनाते हैं। तो आते ही मैंने दोनों गैस ऑन कर दी और वापस खाना बनाने में लग गई हूँ। वैसे तो किया को शायद ही देना है मैंने, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर दाल डाल दूँ, उसके अंदर राइस डाल दूँ, दोनों को सिम करके जाऊँ और फिर उसको शार करा दूँ। तो बिरयानी में मैं डालने वाली हूँ पनीर, अब ये पनीर ऐड करके और फिर मैं उसके अंदर राइस ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड करा है और धनिया भी ऐड करती हूँ, लेकिन धनिया आज है नहीं तो सिर्फ पुदीना ऐड करा है। और ये मैं जब दही बनाती हूँ ना, दही के अंदर दोनों चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन मैं तब भूल गई थी तो मैंने अब डाला है। यहाँ पे मैंने राइस ऐड कर लिया, मैं इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे दाल ऐड हो चुकी है, इसको मैं जब तक किया ना आएगी तब तक ये उबलेगी, ढकेगी इसीलिए ही, और फिर इसके अंदर लास्ट में डालूँगी क्रीम और मक्खन। ये अब की बार मैंने जान के पतली रखी है क्योंकि ये विद टाइम गाढ़ी हो जाती है, तो रात तक जब तक हम खाएंगे ना ये इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे अब पनीर की सब्जी के लिए मैं ये सब उबाल रही हूँ, उसके अंदर 2 टमाटर डाले हैं मैंने, थोड़े से काजू हैं, 2 हरी मिर्च है, राहुल आ गए, और इसके अंदर बाकी खड़े मसाले हैं जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी और एक बड़ी इलायची। अब मैं इन सबको बॉयल करने वाली हूँ। हैप्पी दिवाली, जल्दी आ गए आप दिवाली की वजह से या भूख की वजह से? या भूख की वजह से।
तो ये कलर्स है रंगोली के। अब मैं रंगोली बनाने वाली हूँ, पता नहीं कोई आइडिया नहीं है, बस जो चीज़ जल्दी बन जाएगी वही चीज़ बना लूँगी। मैं सोच रही हूँ लोटस बना लूँ। अरे ये तो हवा ही बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं टिकेंगे टिकेंगे कलर्स। यहाँ पे रंगोली मेरी डन हो गई है, साइड में किया की चल रही है। हाँ शानू आप भी ड्रॉ कर सकते हो, कर लो आप ड्रॉ, जितना दीदी के पास है उतने में जो करना है कर लो, क्योंकि बाकी कलर्स मैं उठा रही हूँ क्योंकि मेरे को साफ करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मेरी ये रंगोली यहाँ पे हो गई है, नीचे मैं रहने दे रही हूँ क्योंकि मुझे अब और भी काम है। ये किया की रंगोली है, किया खुद दिखाएगी, शानू ने भी बनाई है, शानू की ये वाली है। ओके अच्छा ठीक है, ये सब किया नहीं करा है, अब किया खुद दिखाएगी वरना गुस्सा हो जाएगी। लाइक अ गैलेक्सी थिंग बिकॉज़ आई मिक्स्ड इन ऑल ऑफ द कलर्स सो इट मेड दिस ब्यूटीफुल लुक। नहीं ये भी करा है लाइक पेटी लगे साइड में, और ये मम्मा ने करा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज बनाने वाली हूँ मैं बटर पनीर। तो राहुल ने बोला कि बटर पनीर बना दो, मैंने कहा यार बटर पनीर भी बनता है, बटर चिकन तो सुना है, बटर पनीर भी है तो कुछ भी नहीं है। वो जो शाही पनीर वाली ग्रेवी है ना, उसके अंदर एक बारीक प्याज काट के डालनी होती है, और जिसमें क्या होता है प्याज को जब बॉईल करते हैं ना मसाले के लिए, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा है कि मैं काजू टमाटर वगैरह खड़े मसाले सब बॉईल करके इसका पेस्ट बना के छान के फिर इसके ग्रेवी बनाती हूँ, तो यहाँ पे सेम चीज़ मैंने करी है। बस ये है कि एक प्याज पहले से डाल दी है और उसके अंदर मसाले डाल दिए हैं और पनीर को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है, उसके बाद वो जो पेस्ट मैंने बनाया था वो ऐड कर लिया है 5-10 मिनट के लिए, उसको बॉईल होने दिया है, और फिर लास्ट में मैंने ऐड करी है कस्तूरी मेथी। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो धनिया, लेकिन मुझे क्या होता है ना, मुझे बहुत फ्लैट लगती है, ऐसे लगता है यार बड़ी सिंपल सी लग रही है, तो इसलिए मैं कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ, नहीं तो हरा धनिया होता हरा धनिया डाल देती। तो ये थाली हमारे तैयार हो गई है विद लच्छा पराठा। तो हमारी बात हो गई है इंडिया में, हमने सबको विश कर दिया है, और अब हम करने वाले हैं। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं बताओ, अब हम करने वाले हैं कैंडल लाइट डिनर, क्योंकि हम लोग रात को ना पूजा करेंगे, उससे पहले मुझे बच्चों को खिलाना पिलाना है ताकि हम पूजा करके सीधा इन्हें सुला दें। हाँ जी अब मैं लाइट कर लेती हूँ उसको। बिग बॉस के साथ हम लोग कर रहे हैं ये आइसक्रीम और ब्राउनी वाली पार्टी। इसके बाद मुझे चीयर्स, हैप्पी दिवाली। आई बी ऑनेस्ट विद यू सुरमा, आई थिंक अविनाश है, मैंने हैप्पी दिवाली मैंने बोला था कि हैप्पी दिवाली चुनकी तरफ आ रहा था, बोलो हैप्पी दिवाली, मैंने बोला था वो बहुत फ्राइटनिंग था उसका, वेरी गुड। तो वो बोले हम हो गए दिवाली रेडी। Jai Ganesh, 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 Jai Ganesh,
बाहर जाके झाड़ लो, डोर पे डोर के बाहर जाके झाड़ लो। किया बाथरूम में वॉश करो। ये कहाँ से? शानू आप भी साइड हो जाओ। किसी चीज़ में भरा होगा ना ये? ओह, इसके अंदर इतना कलर कहाँ से आया? शुगर और इसमें से निकला है, कुकीज़ और शुगर में से। ओह, बड़ा बेकार है। ओह माय गॉड। चलाने वाली है फुल छड़ी। ये कैसे बुझ गए? इतनी तेज हवाएं नहीं बुझ गई। मैं अंदर से चला के लेके आती हूँ। ये वो कैंडल यहाँ से तो चलाते हैं। कैटी कहाँ है? कैटी रुको मैं आती हूँ, मैं इसको चलाती हूँ, फिर यहाँ से चलाएंगे, ठीक है? हाँ मम्मा ने तो बहुत बार चलाया वो, ऑल्दो मम्मा को पसंद नहीं है। इतना बहुत है, ये एक बहुत है। देखो इस लड़की को तब से कह रही थी नहीं मैं जलाऊंगी मैं जलाऊंगी, अब डर रही है और बारिश हो रही है। देख लो बादल हमारे यहाँ के। ये दिवाली के हाल है यहाँ पे। रुक जाओ, ये भी शानू के लिए किया लाओ तू। अरे इतना नहीं होता ये तो, इसलिए क्योंकि इसे लाइट होती है, उजाला होता है, इसलिए ये जलाया जाता है। ऐसे मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं अंदर आ रही है।
शानु मैं होल्ड करूं? ये आपने ये पटाखे आपने छोड़े हैं शानू, ये वाले पटाखे आपने छोड़े हैं बच्चे। तो अब बज रहे हैं रात के 11:15 बजे, बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने कैंडल्स जलाई हैं, फिर उसके बाद फुल झड़ियां जलाई हैं, तो इसलिए बहुत लेट हो गया है। क्या हुआ? और अब ये बेडरूम में शोर शराबा कर रहे हैं और इसकी कल स्विमिंग क्लासेस है, इसे तो इनका तो ना क्या लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये समझ जाओ ये बहुत लेट हो गए हैं, इसलिए आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना अपनों का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं, बाय।